हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ब्यास नदी पर कुनकातार पुल के नजदीक निर्मित किए जा रहे 191 मेगावाट की विद्युत परियोजना के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रदेश के बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा ने कोटली में बिजली बोर्ड के पावर प्रोजेक्ट कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पावर प्रोजेक्ट कार्यालय को हमीरपुर से कोटली स्थानांतरित करने का मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट कार्य में तेजी लाना है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के माध्यम से इस प्रोजेक्ट की रॉक टेस्टिंग लगभग पूरी हो गई है और इस प्रोजेक्ट की फॉरेस्ट क्लीयरेंस व अन्य औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करके इसके लिए निगरानी समिति गठित की जाएगी, जो 5-6 महीने के भीतर सभी औपचारिकताएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करेंगी और प्रयास रहेगा कि अगले 58 महीनों के भीतर इस पावर प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण से कोटली धर्मपुर जोगिंदरनगर तथा पटधर क्षेत्र के कम से कम लोग प्रभावित हों। आज हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का जीएम का दफ्तर जो है ऑफिस कोटली में का शुभारम्भ हुआ। इस ऑफिस को लाने का, क्योंकि हमीरपुर में ऑफिस हुआ करता था और प्रोजेक्ट साइट से लगभग 150 किलोमीटर दूर हुआ करता था, इस प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने के लिए थौना प्लांट प्रोजेक्ट हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से इसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने अधिकारियों को कहा है कि हर वीक मुझे इसमें जो काम हो रहा है कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी कर रख सकते हैं, उसको मुझे मॉनिटर करने के लिए जो है मैंने इंतजाम शुरू किए हैं कि 5-6 महीने के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो जाए और जल्द से जल्दी प्रोजेक्ट 191 मेगावाट का प्रोजेक्ट हमारा जो है थौना प्लांट जो हमारा शुरू किया जा सके, इसलिए विशेष कर ये हमने प्रयास किया है। और भी हमने ये कहा है डिपार्टमेंट को कि इस फेज सेकंड के अंदर हम प्रयास करें कि इस रिजर्वायर से ही पानी उठाएं और रिजर्वायर से पानी उठाकर जो है इसमें और बिजली कैसे पैदा की जा सकती है, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ हम यह शुरू करने जा रहे हैं, उसकी भी हम डीपीआर बनाने का प्रयास करेंगे। यदि पॉसिबल हुआ, जो मुझे कहा गया है कि लगभग 240 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और रिजर्वायर बड़ा हो तो हम 400 मेगावाट तक भी बिजली पैदा कर सकते हैं, उस पर भी हम काम सेकेंड फेज में करेंगे। तो इसलिए इस दफ्तर का बहुत महत्व है और मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाएगा यहाँ पर तो जहाँ यहाँ के हमारे नौजवानों को रोजगार मिलने की बात है और साथ में जब 1.5% हम जो है यहाँ के विकास संबंधी कामों के लिए हम देते हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से, उसमें भी विकास होगा।